नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भगवान महावीर अस्पताल रानीबाग दिल्ली में शुरू हुआ नवजात बेटियों के लिए नन्ही परी कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुक्रवार को जिला प्रशासन जिला उत्तर पश्चिम ने नन्ही परी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल के माध्यम से अस्पताल से छुट्टी से पहले नवजात कन्या को लाभ प्रदान किया जाना है। इसके तहत नवजात बच्ची को आधार नामांकन, जन्म प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता, पीएम एमवीवाई, लाडली योजना, पद चिन्ह और फोटो के साथ स्मारिका आदि की सुविधा दी जाएगी। रोहिणी एसडीएम सजात आलम द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम भगवान महावीर हॉस्पिटल रानीबाग दिल्ली के गायनी वार्ड में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की उपस्थिति में शुरू किया गया। कार्यक्रम के तहत नामांकित प्रथम बालिका का नाम यशस्वी है। उम्मेदिन फाउंडेशन के सहयोग से नन्ही परी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला उत्तर पश्चिम के अस्पताल बाबा साहेब आम्बेडकर, संजय गांधी अस्पताल, भगवान महावीर अस्पताल और दीप चंद बंधु अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। आधार कार्ड उसको जो है बैंक अकाउंट ताकि उसका सुकन्या समृद्धि योजना जो है स्टार्ट हो सके। इसका जो है ये मेरी लाडली स्कीम के तहत जो है उसको जो भी लाभार्थी है वो उसको लाभ मिल सके। ये काइंड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट को कन्वर्ट करके देखो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चली हुई है। बर्थ सर्टिफिकेट अभी भी मिलता है, आधार इन्वॉल्व होता है, मेरी लाडली स्कीम चला हुआ है, बैंक अकाउंट भी खुलता है, बट उन सबका कन्वर्जेंस जो है इस इनिशिएटिव के जरिए किया गया है। इसमें देर इज वेरी मीन्स न्यू इनिशिएटिव दैट कि आपको जब बच्चे पैदा हो जाए तो आपको इधर उधर फिर चार पांच डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट इज एट द डोरस्टेप ऑफ द हॉस्पिटल और यहीं से जो है आपको सारे सर्टिफिकेट्स और आपके बैंक अकाउंट एंड अदर जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है आपको यहीं से एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड ही आपको मिल जाएगा। And we hope that it will continue and it will continue to serve the people of this district. And after means कुछ दिनों बाद हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये दिल्ली के हर एक जिले में ये स्कीम चालू हो ताकि दिल्ली के हर एक बच्चों को और बच्चों को इसका फायदा मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं तिलक रजिस्टर में मौजूद हूँ महावीर हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ हमारे साथ मौजूद है एसडीएम सर सहजाद आलम जी। बात करते हैं सर, जिस तरीके सर नन्ही परी स्कीम का आयोजन किया है सरकार की तरफ से, तो सर कितना महत्व रहेगा और आम पब्लिक को कितनी सहायता होगी इससे? जो है स्पेशली जो बच्चों का जब जन्म होता है तो जन्म होते ही फिर उसको बैंक अकाउंट से जो हमें बैंक अकाउंट मिल जाएगा ताकि बच्चे जो पेरेंट्स है उसमें हर महीने कुछ सेव कर रहे हैं ताकि जब बच्चे बड़े हों तो उनके लिए अच्छा हमारे उनके पास पेरेंट्स पर सेविंग हो। उसी तरीके से हमारे दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी जो है मेरी लाडली स्कीम चला रखी है उसका लाभ बच्चों को मिले, उनको फिर उस पर आधार उनके पास है, आधार कार्ड उनको बाद में स्कूल में एडमिशन होने में जो मदद होगा, बर्थ सर्टिफिकेट उनको तुरंत मिल जाए। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर एनी बेनिफिशियरी स्कीम के लिए। तो अगर आपको जन्म के समय ही तुरंत विद इन जब आपको डिस्चार्ज होने से पहले मेन हमारा मुद्दा ये डिस्चार्ज होने से पहले ये सारी चीज़ें जो है हमें कम्प्लीट करना है और अगर डिस्चार्ज होने से पहले अगर आपको ये सारी चीज़ें और सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जा रहे हैं तो सारे बेनिफिशियरी स्कीम आपको अपने आप जो है उसका आपको लाभ मिलता जाएगा। इसी वजह से जो सरकार में बोलते हैं ना कि सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स को चला रखी है बट लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता है। फायदा नहीं मिलता है क्योंकि क्या हो गया, ये काबिल नहीं है वो काबिल नहीं है। तो अगर हम लोग जन्म होते ही डिस्चार्ज होने से पहले सभी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर बच्चों को प्रोवाइड कर दें तो इससे जो है उनको सारे स्कीम अपने आप जो है मिलता रहेगा और इससे जो है उनका मतलब दोगुना और चौगुना जो है उनको इसका फायदा। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को यही कहना है कि जो गरीब लोगों की गरीब तबके की कहीं ना कहीं सरकार द्वारा मदद करी जाएगी। मैं लखराज कैमरामैन सोलंकी मौजूद है महावीर हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आइए बात करते हैं इनसे। पहले कहीं ना कहीं समस्या आती थी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, आज सीधा एसडीएम सर सहजाद आलम जी इस चीज़ का उद्घाटन किया है कि अगले दिन होते ही उनको बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड मिल जाएगा और सुकन्या के अकाउंट खुल जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना था? इसमें ये कहना चाहूँ कि एसडीएम साहब ने जो
जो लॉन्च किया है नॉर्मली ये स्कीम बहुत अच्छा है। इस इनिशिएटिव ये है कि जब गर्ल्स बॉर्न होती है हॉस्पिटल में उसी टाइम में उनका बिथ नेम जो है उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए और उस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उनको आधार एनरोलमेंट हो और साथ साथ बैंक का भी अकाउंट खुल जाए। अकाउंट खुलने से जितनी भी स्कीम्स है ना पॉब्लिटी डिफरेंट तरह से लाडी योजना सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री की मातृत्व वंदना योजना और समृद्धि योजना जितने सारे योजनाओं के जितने भी फाइनेंशियल जो है वो उसमें जमा हो सके जन्म के साथ तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऐसे हमने जो स्टार्ट किया। और हमारे यहाँ जितनी भी डिलीवरी होती न्यू बॉर्न गर्ल्स का हम इंश्योर कर रहे हैं कि बर्थ जो सर्टिफिकेट है दिख रहे हैं आम जनता को कितने राहत की सांस मिलेगी कि जिस तरीके से सुना रहा है अवसर मिला है ये तो बहुत अच्छा स्कीम है। आम जनता को बहुत ज्यादा राहत क्योंकि लोग गलती नहीं करना उनके एक टाइम में जन्म के टाइम में सारा चीज हो गया कुछ कहीं पे जाने की जरूरत ये बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।